भारतीय रेल यानी कि करीब हर दिन लाखों लोगों के सफर करने का जरिया। लेकिन क्या रेल की यात्रा में यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं? ये सवाल तब तक उठता है जब जब कोई बड़ी रेल दुर्घटना होती है और जांच समिति बनाकर केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय अपना सिर्फ पल्ला झाड़ते हैं, लेकिन असमय काल के गाल में समाते हैं आम लोग। वैसे भी आम आदमी बना ही है मरने के लिए, क्योंकि सरकारों को तो सिर्फ सत्ता से मतलब है, ना कि आम लोगों के जीने और मरने से। आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं, तो आइए हम आपको करवाते हैं हकीकत से रूबरू, और उसके बाद आप ही सोचिए कि आप जिस रेल यात्रा में जा रहे हैं क्या उसके बाद आप सकुशल घर लौट पाइएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हावड़ा से नई दिल्ली जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन में बैठा ड्राइवर, अरे बैठा नहीं सोया ड्राइवर, किस तरह से इस ट्रेन को सुरक्षित अपने गंतव्य तक ले जाएगा। इस ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्री कितने सुरक्षित हैं और ये आप अपनी आंखों से देखिए। यही नहीं, स्टेशन पर ड्यूटी खत्म होने से पहले ही अकाल तख्त एक्सप्रेस में ड्राइवरों की ड्यूटी वहीं से बढ़ा दी जा रही है, ये भी आप अपनी ही आंखों से देखिए। अब हमारा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों, तो आइए हम आपको इसके विषय में भी बताते हैं। रेल भी इंसान ही चलाते हैं और सुरक्षा के लिहाज से ट्रेनों को चलाने वाले ड्राइवरों को सबसे ज़्यादा सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि वो जिस ट्रेन को चला रहे हैं कम से कम वो किसी हादसे का शिकार न हो। लेकिन होता ठीक इसके विपरीत है। जब ट्रेन का ड्राइवर ही मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहेगा तो उस ट्रेन को तो पटरी से उतरना ही है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात कही है आसनसोल में तैनात लोको पायलट कामेश्वर चौधरी ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो बनाया गया है नियम के अनुसार हम लोग काम करना चाहिए, लेकिन नियम का उल्लंघन सारे काम होता है। हमारा ड्यूटी 9 घंटा और इमरजेंसी में 11 घंटा है, जो इमरजेंसी हो जाता है, लेकिन बिना इमरजेंसी का 15-15 घंटा ड्यूटी कराया जाता है। कल भी मैंने जाम तड़ा 15 घंटा ड्यूटी किया और एक तो ट्रेन मांगा कि भाई एक ट्रेन दे दीजिए, कोई गाड़ी हम चले जाए आसनसोल, मेरा रोस्टर ख़राब है। लेकिन ये सेक्शन कंट्रोलर हमको बोले कि आपका ट्रेन नहीं देंगे, हम बोले उतारने के लिए आप देते हैं, हर गाड़ी देते हैं, तो बोले रेल का काम से। और सर आप बताइए कि हम लोग बैठा रहते हैं 4-5 घंटा इधर उधर मारल चलते बिना खाए पिए, वो सेफ्टी है? वो वहाँ पर आकर के रेल के ऊपर भी बोझ बढ़ रहा है, 20-20 घंटा 18-18 घंटा ड्यूटी हो जा रहा है, हम तो ड्यूटी में काउंट करेंगे, और उससे क्या होता है माइंडली टॉर्चरिंग होता है, और माइंडली टॉर्चरिंग होता है हम माइंड तो अब्सेंट हो जाएगा, तो हम लोग काम कैसे करेंगे। घर में आते हैं तो प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिलता है, 14 घंटा जैसे होता है वैसे ही लोग फ़ोन करना शुरू कर देता है कि आपको इतना बजे आ जाना है, ज़रूरी काम है, ड्राइवर नहीं है। तो ड्राइवर नहीं है तो ड्राइवर हम लोग कहाँ से ले आएंगे? ड्राइवर आप बनाइए, क्यों नहीं ड्राइवर बनाते हैं? जो एक ड्राइवर को जो नियम हर नागरिक के लिए हर देश में 8 घंटे ड्यूटी कराया जाता है, नियम है, लेकिन हम रनिंग स्टाफ इतना रिस्क कवर करते हैं और मुझे 15 घंटे ड्यूटी लिया जाता है, ये नियम का उल्लंघन है। सुन रहे हैं ना रेल मंत्री जी, ये आपके ही मंत्रालय के कर्मचारी हैं। वहीं असिस्टेंट लोको पायलट उपेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए पीयूष गोयल जी, क्योंकि आप ही देश के रेल मंत्री हैं। 12 घंटा ड्यूटी हो जाती है, ड्यूटी होने के बाद हम लोग को रिलीफ जब हो जाता है तो आने के लिए गाड़ी नहीं दी जाती है, तो इस दौरान हम लोग की ड्यूटी बढ़ करके 17-18 घंटा ड्यूटी हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है 16 घंटा रेस्ट होना चाहिए, तो 14+2 में कॉल करके हम लोग को बुला दिया जाता है, और उसमें हम लोग को काफ़ी मेंटली टॉर्चर किया जाता है, इस तरह से बहुत तरह की दिक्कत है। और हम लोग जो लर्निंग जो है हम लोग को जब ऑन ड्यूटी करते हैं तो लर्निंग का जो नियम है, जब ऑफ ड्यूटी करने के बाद हमको लर्निंग पेपर दिया जाएगा और एडवाइस किया जाएगा कि आपको यहाँ लर्निंग जाना है, तो यहाँ जो है आपको ड्यूटी में जाते हैं आप DST पे जाते हैं, बोलते हैं कि आप यहाँ से आप लर्निंग करते हुए चले जाइए, मैंने काम भी करना है और साथ साथ लर्निंग भी करना है, जो कि हम लोग के सेफ्टी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है यहाँ। तो आपके मतलब इस मैंने कितने घंटे की टोटल ड्यूटी कितने घंटे की? हम लोग की मैक्सिमम ड्यूटी 9 घंटे की है
और इमरजेंसी में 9+2 जो 11 घंटे में हम लोग 9+2 11 घंटे में ड्यूटी ऑफ होनी चाहिए। मैक्सिमम ड्यूटी तो 15 घंटे होती है, अच्छा मिनिमम 12 घंटे के बाद हम लोग की रिलीफ होती है। यहाँ रिलीफ का तो कोई ठिकाना, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आप रिलीफ कब होगा ऐसा कोई ठिकाना। हम लोग जाते हैं तो रेस्ट हम लोग को 16 घंटा चाहिए, जो कि हम लोग को 14+2 में बुलाया जा रहा है। 14+2 हेडक्वार्टर से बुलाया जा रहा है कि जो कि हमको 16+2 में 18 घंटा में हम लोग को आना चाहिए। इतना ही नहीं, लोको पायलट जनार्दन प्रसाद ने सरकार के द्वारा ट्रेनों में सुविधा देने के नाम पर किराए में बढ़ोतरी करने और उसके बाद अपनी वाहवाही लूटने पर पानी फेर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि ठंड के समय में इंजन में शीशे और खिड़कियां ही ठीक नहीं होती हैं, जिसके कारण तेज हवा लगती है और तबीयत बिगड़ जाती है। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है जनार्दन प्रसाद ने। लोगों का प्रॉब्लम है, लोगों बढ़िया नहीं मिलता, मेंटेनेंस बढ़िया नहीं है, कुर्सी ठीक नहीं है, जाड़ा के दिन में इतना हवा टांगता है कि हम लोग को ठंडा मार देता है, खिड़की का कंडीशन ठीक नहीं है, ध्यान नहीं देते, सब पर मेंटेनेंस पर कोई सुविधा नहीं। उसमें सुविधा होना चाहिए कि खिड़की दरवाजा पंखा गर्मी में ये सब कुछ तो ठीक हो गया है। जब हम हावड़ा जाना पहुंचाना पड़ता है आसनसोल से तो ठीक है ड्राइवर का, बीच में रिलीफ नहीं होता। अगर गाड़ी अब 5 घंटा लेट भी हो जाएगा तो हमको हावड़ा तक ले जाना पड़ता है। क्यों कि वो रिलीफ में आए तो बोलेगा ड्राइवर नहीं है, आपको हावड़ा तक ले जाना, हावड़ा तक हम लोग को ले जाना पड़ता है। चाहे आइटम रहे तो ठीक है, तब मेरे लिए सुविधा है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे फ्रेश होंगे, दिक्कत होगी नहीं, एक्सीडेंट हो सकता है। दिक्कत है कि अब हमको नींद आ सकती है, रात भर हम जागेंगे, 4 घंटा में पहुँचना है, 8 घंटे में पहुँचेंगे तो नींद आएगी कि नहीं आएगी, एक्सपायर्ड कैश होगा कि नहीं होगा, ये सब प्रॉब्लम है। खाने पीने के लिए तो लेटरिन का व्यवस्था नहीं है, भोर होगा हमको लेटरिन लगेगा, उसको भी हम रोक के रखते हैं, पेशाब करना है वो भी रोक के रखते हैं। अब आप सोचिए, जब ट्रेन के ड्राइवर की ही ये अवस्था है तो आम यात्रियों को क्या कुछ झेलना पड़ता है और उनकी सुविधा के लिए रेल मंत्रालय और केंद्र सरकार क्या कुछ मुहैया करवाते हैं। यात्रियों का हाल सिर्फ बेहाल है और सरकार मस्त। अब हम सवाल पूछते हैं आपसे कि क्या आपकी यात्रा के दौरान आप सुरक्षित हैं, ये आपको सोचना है। हम सरकार को भी सिर्फ जगाना चाहते हैं ताकि केंद्र में बैठी सरकार भी लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखे, ना कि सिर्फ रेलवे का किराया बढ़ाए। जहां भारत में बात हो रही है बुलेट ट्रेन चलाने की, वहां आम ट्रेनों की ये हालत है, तो सोचने वाली बात ये होगी कि भारत में बुलेट ट्रेन का अस्तित्व कहां तक सफल हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव कोलकाता।